वेलकम बैक फ्रेंड। तो बिहार में एक बार फिर से लॉकडाउन की लगभग एक छोटी सी रूप यहां पर प्रस्तुत की है नीतीश कुमार ने। फिलहाल सबसे पहला असर स्कूल और कॉलेज पर दिखा है, यानी कि बिहार में नीतीश कुमार का साफ तौर पर यह मानना है कि शिक्षा ही कोरोना को फैलाने में सबसे ज़्यादा कारगर है, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी और बस चलेंगे, इसके साथ ही लोग आवाजाही करेंगे। शादी ब्याह में 250 लोग उपस्थित हो सकते हैं, श्राद्ध में भी 50 लोग उपस्थित होंगे, और सभी तरह के जो है बसों में निजी आपके जितने भी ट्रांसपोर्ट है उसमें 50% लोग आवागमन करेंगे। कुल मिलाकर जहां शिक्षा के लिए लोग एक जगह बैठेंगे तो कोरोना वहां पर ही फैल सकता है। फिलहाल यहां पर हम लोग चर्चा करते हैं कि बिहार में स्कूल कॉलेज एक सप्ताह के लिए बंद करने का ऐलान तो कर दिया गया है, और यहाँ पर मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद यहाँ पर आपदा प्रबंधन समूह ने यह फैसला लिया है। तो फिलहाल यहाँ 12 अप्रैल तक यह आदेश दिए गए हैं कि शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। तो यहाँ पर आपको बता दें कि खासकर निजी स्कूल और निजी कारोबार करने वाले लोगों पर इसका काफ़ी असर पड़ता है। इससे जो है आर्थिक स्थिति तो बिगड़ती है, इसके अलावा साथ ही साथ मानसिक लोगों को जो है उत्पीड़न जो हो रही है उसके लिए यहाँ पर सरकार को जिम्मेदार माना जाए या नहीं ये पब्लिक सोचेगी, और अब पब्लिक को क्या फैसला करना है ये भी उनके हाथ में है। तो फिलहाल यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि नीतीश कुमार सरकार ने कोरोना संक्रमण को काबू में करने के लिए पूरी सख्ती बढ़ाने का फैसला किया है, और ये सख्ती जो है फिलहाल स्कूल कॉलेज पर ही दिखेगी। तो पूरे राज्य में अप्रैल के आखिर तक सभी तरह के गैर सरकारी और सरकारी जितने भी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम हैं उस पर पाबंदी लगा दी गई है। तो सरकार ने विवाह और बाकी सभी पारिवारिक कार्यक्रम में कुछ पाबंदी लगाई है, यानी कि 250 लोग शादी में जाएंगे तो उसको यहाँ पर जो है उसकी गिनती कर लेंगे लोग कि 250 लोग ही वहाँ मौजूद हैं, और श्राद्ध में 50 लोग वहाँ पर गिनती कर लेंगे। तो ये यहाँ पर है फैसला हमारे जो नीकू सरकार का। और इसके बाद अब देखिए यहाँ पर आपको बता देते हैं कि जो 5 और 6 अप्रैल 2021 से निजी और जितने भी स्कूल थे वो अपने अपने शैक्षणिक संस्थानों को खोलने की तैयारी में लगे हुए थे। राज्य में कोरोना महामारी से 1 साल से स्कूल बंद पड़े थे। स्कूल कॉलेज कोचिंग संस्थान और विश्वविद्यालय को खोलने का निर्णय इस वर्ष जनवरी में लिया गया था, और आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में लिए गए निर्णय के बाद 9वीं और उससे ऊपर के क्लास को खोलने का निर्णय 4 जनवरी से लिया गया था, और इसके बाद 8 फरवरी से 6ठी से 8वीं क्लास की कक्षाएँ खोलने का फैसला लिया गया था, और 1 मार्च से 1ली कक्षा से 5वीं कक्षा तक के स्कूलों को खोलने का निर्णय लिया गया था। हालांकि आपदा प्रबंधन समूह द्वारा स्कूल कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को खोलने के साथ कोविड नियम का पालन करने, सामाजिक दूरी का पालन करने, सैनिटाइजेशन करने और आधी आधी संख्या में विद्यार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया गया था, लेकिन इसके बाद अचानक से यहाँ पर 11 अप्रैल तक इसे पूरी तरह से बंद करने का फैसला लिया गया है, और साथ ये कहा गया है कि 11 अप्रैल के बाद स्थिति को देखते हुए इसमें क्या परिवर्तन हो सकता है वो किया जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर साफ तौर पर स्पष्ट है कि शिक्षण संस्थान पर इसका काफ़ी असर पड़ेगा, और बच्चों की पढ़ाई पर इसका तो असर पड़ ही रहा है, जिसका कि खामियाजा पूरे राज्य को आने वाले कुछ दिनों में भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल अन्य राज्यों की बात करें तो पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर कोरोना ने अभी तक तो प्रवेश नहीं किया है। महाराष्ट्र में कोरोना की स्थिति जरूर यहां पर भयावह है, सरकार नियंत्रित करने के प्रयास में है और चाह रही है कि जब तक स्थिति यहां पर कंट्रोल में है तो लॉकडाउन और इस तरह की निर्णय लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, लोग अपने काम रोजगार में लगे रहें और सिर्फ कोरोना नियम का पालन करें। तो इस तरह से यहाँ पर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा असर शैक्षणिक संस्थान पर पड़ रहा है। तो प्राइवेट स्कूलों, शैक्षणिक संस्थानों के संचालकों को अब इससे क्या करना चाहिए ये आप लोगों को सोचने की बात है। तो बने रहिए हमारे इस चैनल पर, अब खास खास रिपोर्ट आप लोग के लिए लाते हैं। अब आगे देखना है कि यहाँ पर क्या फैसला आता है और निजी स्कूल वाले सभी लोग एकजुट होकर क्या फैसला लेंगे। तो ज़रूर हमें कमेंट कीजिए, हम आपको खास खास अपडेट देंगे। मिलते हैं एक और खबर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।